झाबुआ जिले के ग्राम कोदली निवासी किसानों द्वारा समस्या का निदान करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदनकर्ताओं ने बताया कि गत वर्ष खरीफ की फसल सोयाबीन, टमाटर और मिर्ची आदि की फसल अधिक बरसात होने के कारण खराब हो चुकी है, जिससे किसान अपनी लागत भी निकाल नहीं पाए। किसानों ने कहा कि जल्द से जल्द माही नगर का पानी दिया जाए ताकि रबी की फसल लगाकर खरीफ की फसल के नुकसान का खर्च निकाल पाए। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। क्या मामला है आपका? सर, ग्राम पंचायत कोदली में माही नहर का काम काफ़ी समय से थोड़ा अधूरा पड़ा है। वो बहुत धीमी गति से चला रहे हैं। हमें रबी फसल के लिए नवंबर में पानी की आवश्यकता है और माही अधिकारियों से निवेदन है कि वो जल्दी जल्दी ये काम पूरा करवा के हमें नवंबर में पानी नहर का दिया जाए, क्योंकि हमारा खरीफ फसलें काफ़ी बर्बाद हो चुकी हैं। हमें कुछ भी नहीं मिला है, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, तो हमें इस बार माही का पानी बहुत जल्दी से जल्दी मिल पाए, यही हमारी मांग है। इसलिए हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है। क्या शुभ नाम आपका? ललित पाटीदार, ग्राम पंचायत कोतली। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे? नमस्कार, मेरा नाम विकास पाटीदार है, ग्राम पंचायत कोतली से। इस बार अधिक वर्षा होने के कारण खरीफ फसल मुख्य रूप से हमारी सोयाबीन, टमाटर, मिर्च सारी खराब हो चुकी है, जिसकी लागत नहीं निकाल पाई है। अतः श्रीमान जी से निवेदन था कि अगर जल्दी से जल्दी माही नहर का पानी दिया जाए तो नवंबर माह में अगर मिल जाए तो गेहूं की फसल जो कि रबी की फसल है ये अगर मिल जाए समय पर तो इससे खरीफ की फसल का जो लागत हुआ है वो निकाल पाएगा किसान। लाइट दो माह बाद ठंड अधिक गिरने से जो 2 बजे से 6 बजे का क्रम है वो थोड़ा जल्दी 8 बजे से लेके 12 बजे तक किया जाए तो ताकि अच्छा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।